जी साधु सब ही बैठिया, साधु सब ही बैठिया ने अपनी अपनी ठोर, कोई शब्द विवेकी पार की वो मेरे सिर माथे कामों। इन संतों ने, इन महापुरुषों ने ऐसी धूप में भी सबके ऊपर छाया दी और वो दया करी, और दया इसलिए करी क्योंकि उसकी जो याद होती तभी दया होती है। यदि दया को पलट दे तो याद होती, और याद जब उसकी याद होती तो ही दया इंसान के अंतर में आती, आप जानते हैं। इसलिए कहा है संत बड़े परमार्थी शीतल चिंतायन, तपन बुझावे और की और दे दे अपना रंग। उनका सबके लिए सद्भाव था, एक भाव था। इसलिए सदगुरु की एक साखी है, अरे सतगुरु तो सद्भाव है रे, सतगुरु तो सद्भाव है न जो अस भेद बता, अरे धन्य भाग धन शीश जही और जो ऐसी सुदीपा। बस इस भ्रम को दूर करने के लिए कबीर का एक पद है, नहीं तो हम भटक रहे थे कैसे। लचोरासी के चक्कर में भटकता ही रहा, 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 छोड़ दिया।
इस तरह से वो भ्रम किस तरह से खत्म हुआ जब हमने आप जैसे उन महानुभावों के द्वारा अल्लाहू जब सुना, तो उसमें एक अंतर ऐसा आता है कि वो सबकी आबरू रखता है। वो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की या धर्म विशेष की आबरू रखता है, उसमें एक अंतर ये आता है कि वो जो पहले भी था, आज भी और बाद में भी रहेगा, वो सुप्रीम पावर जो सबका एक है, जिसको हम जाति धर्म और मजहब में नहीं बांट सकते, उसके लिए इस तरह की बात उन महापुरुषों ने कही, उन पीर फकीर ओलियों ने कही। तो देखिएगा उसी बात को बच्चे लोग आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। यदि कोई चूक हो तो माफ करें, और चूक हो तो बता भी दे ताकि उसको सुधार ले। Allah, Allah.